बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट की रियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन लोगों को इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया, उनको क्यों निकाला गया है, वो क्यों निकाले गए हैं, किस वजह से निकाले गए हैं, क्या था उनके पास, वो इसके मुस्तक नहीं थे, क्या वजह थी, किस वजह से उन लोगों को इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा कि किन किन लोगों को निकाला गया है और किन किन शहरों से कितने कितने लोगों को निकाला गया है, कितने सूबे से निकाला गया है और क्यों निकाला गया है। तो ये चीज़ें, अगर आप भी निकाले गए हैं तो आप अगर मुस्तक हुए तो आप इससे पैसे दोबारा कैसे लेना शुरू कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। आपने इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, तभी आप समझ पाएंगे कि हमें किस वजह से निकाला गया, हमारे पास ऐसा क्या था, हम हैं भी गरीब लेकिन हमें क्यों निकाला गया। तो आपने ये वीडियो कम्प्लीट देखनी है, कंप्लीट मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त, छोटी सी दरख्वास्त, अगर आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मून को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मून को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा किस तरह अप्लाई, जो नए हैं वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 8,20,165 लोग तकरीबन जो हैं वो इस प्रोग्राम से निकाले गए हैं। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कौन से सूबे से कितने निकाले गए हैं और कौन से सूबे से कितने। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ख़बरदार कर दूं किस वजह से, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं शुरू में कि बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट के प्रोग्राम नाम से मौसूल होने वाला इनामी रकम का पैगाम जैली और फ्रॉड है। यानी जो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट की तरफ से कोई भी आपके पास मैसेज आता है, जैली होता है, यानी कि जो इनामी आता है, इनामी यानी कि आपका इनाम निकला है तो वो जैली है। अगर आपके पास इस तरह के मैसेज आते हैं तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट दिए हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं कि भाई ये रियल है या फेक है। तो यहाँ पर फेक नंबर भी दिए गए हैं, इस तरह के नंबर से मैसेज आते हैं, तो यहाँ पर उनका रियल नंबर दिया गया है जिससे मैसेज से आता है बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, वो उन्होंने अपना नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 0800, यहाँ पर आप पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको जो बात मैं आपको बताने वाला था कि कौन से शहर से कितने लोग और कौन से शहर से कितने लोग, तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 1,000 रुपये की खसूसी इमदाद दी जा रही है जो लोग अब मिल रहे हैं, जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो किस वजह से, एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम की तरफ से। तो यहाँ पर इनका ट्वीट है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बहुत नीचे आया हुआ है लेकिन मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, देखते ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कितने लोगों को यहाँ से निकाला गया है। तो फ्रेंड्स, 8,20,165 लोगों को इस प्रोग्राम से निकाला गया है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उनको दोबारा, अब जो नए हैं, जो इसके मुस्तक हैं, अब दोबारा नए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जारी है। फॉर्म भी मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में कि आपने फॉर्म कहाँ से लेना है, तो आप पिछली वीडियो देख के उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो जिन्होंने यहाँ से पहले लिए हैं और वो यहाँ से निकाल दिया गया, उन लोगों के लिए फ़िलहाल ये नहीं है, उन लोगों को मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा अगली वीडियो में कि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें कि आप यहाँ के मुस्तहिक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस्लामाबाद से 2,090, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,094, और गिलगित बल्तिस्तान से 8,297, आज़ाद कश्मीर से 17,361, और यहाँ पर काफ़ी सिंध से भी काफ़ी लोग, 23,000 तकरीबन लोग, पंजाब से 2,13,350 लोगों को निकाला गया है, केपी से 2,70,266 लोगों को निकाला गया है। तो यहाँ पर टोटल जो बने हैं वो 8,20,165 लोगों को इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैवलिंग, यानी जिन्होंने बाहर की ट्रैवल किया है, बाहर गए हैं लोग काम करने के लिए और किसी सिलसिले में, यार जो बंदा बाहर चला जाता है वो गरीब तो नहीं है ना, यानी कि किसी काम के सिलसिले में गया वो, या उम्रा हज के लिए गया है, उस लिए नहीं है ये। अगर कोई बंदा वैसे किसी काम के सिलसिले में गया है, काम करने के लिए गया, तो उन लोगों की बात है ये कि 1,53,302 जो हैं लोग थे उन लोगों को निकाला गया है।
तो यहाँ पर ट्रैवल जो बड़ी बड़ी एजेंसी, यानी कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, तो उन लोगों को निकाला गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिनका बिल जो है मोबाइल या PTCL का बिल जो है वो 1000 से ज़्यादा एक मंथ का, तो उन लोगों को यहाँ से निकाला गया है। और फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनके पासपोर्ट बने हुए हैं उन लोगों को यहाँ से निकाला गया, और जिनके गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो भी ले रहे थे। यार कैसे लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पैसे ले रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब भी है फिर भी वो ले रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ से निकाला गया है। और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब जो है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस भी, यानी कि जो ले रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पोस्ट ऑफिस जो है, रेलवे की जॉब्स हैं, वो लोग भी यहाँ से पैसे ले रहे थे, तो उन लोगों को यहाँ से निकाला गया है। यहाँ पर जिनके मोबाइल का बिल जो है वो 1000 से ज़्यादा है, यहाँ पर बिजली का बिल भी आपके देखे गए हैं कि 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार एसी घर में चल रहे हैं लेकिन उनका बिल इतना आ रहा है, उन लोगों को भी यहाँ से निकाला गया है। तो फ्रेंड्स आपको भी किसी इसी वजह से निकाला गया होगा। यहाँ पे तमाम उन्होंने फॉर्म दिया अपने ट्विटर पर, सानिया निस्तर जो कि चेयरमैन है सास इमरजेंसी प्रोग्राम की और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की, तो उसने ये ट्वीट किया था कि इन लोगों को यहाँ से निकाला गया है। तो आप ये फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे इन वजह से निकले हैं कि उनके जो BC में नाम है लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, लेकिन वो बाहर का ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर गए हुए हैं, तो वो लोग भी यहाँ से पैसे ले रहे, तो इस वजह से यहाँ से बहुत से लोगों को निकाला गया है। 16 बिलियन जो रुपए थे वो इन लोगों में जा रहे थे, अब वो 16 बिलियन रुपए जो हैं वो बच रहे हैं, वो अब न्यू जो अप्लाई हो रही हैं उन लोगों को मिलेंगे। तो आप भी अप्लाई करें, वीडियो मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख के दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टेड वीडियो।